प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे थे, और बड़ी बात यह है कि लोग उस वक्त हैरान रह गए जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए और कृषि कानून सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी यहां पर की गई है। बता दें कि कांग्रेसियों के द्वारा मोदी सरकार को किसान और मजदूर विरोधी बताया गया है और काले कानून वापस लो के नारे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर बीबी श्रीनिवास और दीपेंद्र हुड्डा समेत अन्य कई कांग्रेसी नेता नजर आए हैं। ये सब की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे थे, और लोग उस वक्त हैरान रह गए जब राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाते नजर आए। दरअसल ये सभी कृषि कानूनों के खिलाफ यहां पर ट्रैक्टर चलाते नजर आए और विरोध में ये सभी संसद भवन पहुंचे हुए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बस के अंदर की है, जहां बस में बैठकर ये सभी कांग्रेसी नेता मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए और मोदी सरकार को किसान और मजदूर विरोधी बताया गया है, और इसके साथ ही काले कानून वापस लो के नारे भी लगाए गए हैं। बता दें कि इस दौरान यहां पर बीबी श्रीनिवास और दीपेंद्र हुड्डा समेत अन्य कई कांग्रेसी नेता भी नजर आए हैं। जो है डिटेन करते हुए उनको डिटेन किया है। हेलो, और यहाँ पे कहीं और है सर, कहीं और है, मैंने सब कुछ डाला हुआ है। हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल, काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल, किसान कंटिन्यूअसली प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी बात से ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुँचाओ किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है,
इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया। किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये दो तीन बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है, ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है। कि बाहर गिरफ्तार किया गया है, क्या कारण है और क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हर वो व्यक्ति जो इस देश के किसान की आवाज उठाएगा, मोदी सरकार उसकी आवाज को दबाएगी। पर मोदी सरकार जान ले, ये अगली नस्ल अगली फसल की लड़ाई है। खेती को 62 करोड़ किसानों के अधिकारों को हम मोदी जी को 2 या 3 उद्योगपतियों को नहीं बेचने देंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। जेल भेजिए, फांसी पर टांगिए, परंतु ये संघर्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जारी था, है और रहेगा जब तक काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। जिस देश की शान किसान है और ट्रैक्टर किसानों की शान कहा जाता है, संसद की गलियारों में आप उस ट्रैक्टर को चलाते हुए गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पर आज देश की संसद आए और देश की संसद को झकझोर कर रख लिया। देश की संसद को ये कहा, सत्ता में बैठे हुक्मरानों को ये कहा कि देश का किसान और मजदूर अब ये जुल्म नहीं सहेगा। तो उसके लिए हम सबको गिरफ्तार करना है, करिए। फांसी टांगना है, टांगिए। जो सजा देनी है दीजिए, परंतु ये संघर्ष जारी रहेगा।